हेलो गुड इवनिंग। तो आज आउ एक नुआ नोटिफिकेशन सहित तो आम आसिक आपण मन पाखे पहुंचीचु वानिक रो ए स्मार्ट क्लास रे समस्त को पुणि थरे शुभ संध्या। देख एसबीआई रे गोटे नुआ पोस्ट आसी जोटा कि आम कहे कि रिक्रुटमेंट ऑफ कौन कौन ना रिक्रुटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड कैडर ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड पेमेंट फीस फ्रॉम जो पेमेंट फीस टा तुम 14-9 मान 14 सेप्टेम्बर रु 4-10 भितर अच्छी जार वैकेंसी होची 1497 मान 1497 पोस्ट अच्छी। तुम मैंने समस्ते जो मैंने ग्रेजुएशन सरी से मैंने एलिजिबल अच ए परीक्षा पे तो ये बढ़िया जिनस गोटे लिखाई ना कौन आम जो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो कौन कहली ना 14-9-2024 रु स्टार्ट हो तार पेमेंट फीस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस कर दिन कौन चलो ना 4-10-2024 मान 4 अक्टोबर 2024 पर्यटन। तो परवर्त जिन देखुचे देखो सेम जिनस ही कह कौन पोस्ट देख ना पोस्ट हूँ तुम रिक्रुटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस हला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जोड़ा मुझे जहां भी लिखा था सही कथा लिखा है 14-9-4-10 पर्यंत चलो कौन पोस्ट ना पुणि थोड़ा रिपीट कर एसबीआई रो स्पेशल स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स हला। तो नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी नेक्स्ट देखो तंकर वैकेंसी केमिति होसी देखो तो वैकेंसी रो कथा कहूचे डेप्यूटी मैनेजर बा प्रोजेक्ट मैनेजर डेलीवरी आ गोटे अच्छे डेप्यूटी मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर डेलीवरी डेप्यूटी मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड ऑपरेशंस डेप्यूटी मैनेजर नेटवर्क ऑपरेशंस डेप्यूटी मैनेजर आईटी आर्किटेक्ट और डेप्यूटी मैनेजर इनफॉरमेशन सिक्योरिटी और असिस्टेंट मैनेजर बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट अच्छी। तो ये देखा जब डेप्यूटी मैनेजर कथा कहते टोटल कतोटी वैकेंसी अच्छी टोटल 187 वैकेंसी अच्छी आउ डेप्यूटी मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड ऑपरेशन 412 सीट अच्छी डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स नेटवर्किंग ऑपरेशन 80 सीट अच्छी एमती कर टोटाल जब देखा 1497 सीट अच्छी असिस्टेंट मैनेजर भी पाखापाखि 784 पोस्ट अच्छी आदि एससी एस टी तुम देखिपार एससी के सीट अच्छी मेनसन अच्छी देखिपार एस टी भी कतोटी सीट अच्छी मेनसन अच्छी ओबीसी ईडब्ल्यू एस जो कहते इकोनोमिकली वीकर सेक्शन रिजर्व अनरिजर्व जोड़ा कहते जेनेल कास्ट भी कौन अच्छी तो टोटाल आम देखिपर कौन कौन पोस्ट अच्छी। तो ये अनुसार 1497 पोस्ट अच्छी तुम्हें समस्त ये पोस्ट जो मैंने भी एलिजिबल अच्छ तो एप्लाई कर पार आउ समे भाग नहीं पार ये जो अपॉर्चुनिटी जहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी समस्त फायदा उठाइबा चेस्टा कर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया जिनस जो सिलेबस अच्छी तो सिलेबस भी देखो आमर डेली बेसिस जो आम जो बैंकिंग क्लास पाठ सब पढ़ा जाऊँच किसी भी असुविधा नहीं तुमको जो मैंने डेली कोर्सेस जॉइन होते से देख टेस्ट रिजनिंग फास्ट जिन रिजनिंग अच्छी जहाँकि आम समस्ते बैंकिंग समस्त बहुत स्ट्रंग अच्छे जो जनरल आप्टिट्यूड कौन अच्छे ना रिजनिंग अच्छी क्वांटिटे क्वांटिटेटिव आप्टिट्यूड जोड़ा मैथ अच्छी और इंग्लिश लांगुएज अच्छी तीन टा जिनस मार्क नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क एमती करके 45 मिनिट्रे तुमको फास्ट पेपर देवाक पड़ो जार मार्क हूँ के अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स 50 मार्क 45 मिनिट्स आउ सेकंड प्रोफेशनल नॉलेज आईटी नॉलेज मैंने इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ऊपर किसी नॉलेज थिबा दरकार इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी कथा कहो आईटी संबंधी किसी नॉलेज थिबा दरकार दैट शुड बी 60 क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चन के थोड़ी ना 60 केते मार्क ना 100 मार्क्स ओके ये भी 75 मिनिट रे तुम्हें दे पारिबो टोटल यदि कहबा 75 + 45 केते होची ना हमको 120 मिनिट तो पाखापाखि 2 घंटार समय मिलिबो हम केते मार्क परीक्षा देवाकू ना 150 मार्क 120 मिनिट जोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पचारे 110 क्वेश्चन तो ए अनुसार प्रिपेयर हो क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स स्कोर्ड विल बी नॉट रेकन फॉर अराइविंग द मेरिट ओके जहां भी लिखा है तो मार्क अनुसार तुम स्कोर अनुसार रैंक फिक्स हम से अनुसार तुम कौन हो पार ना नेगोसिएशन हम आम ये एग्जाम जो कौन तो
ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ କ୍ରେଡର ଅଫିସର ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବ। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ସିଲାବସ, ଅନଲାଇନ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ସାମିନେସନ, ପ୍ରଫେସନାଲ ନଲେଜ ପେପର। ସେ ଗୁଡ଼ କହୁଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ନଲେଜ ପେପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଆଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ସେମ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ସେମ୍ କଥା। ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ତ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୁର ଏକ୍ସାମ୍ସ। ଏ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଯେଉଁ 1497 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ